अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त शेख शफाक और स्वागत है आपको अपनी YouTube चैनल जेके जॉब अलर्ट्स में फिर नए एक अपडेट के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना ताकि J&K का कोई भी अपडेट आप मिस नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JKSSB की फ्रेश वैकेंसीज के बारे में। JKSSB ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें उन्होंने मेंशन करके रखा है कि बहुत सारी वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। इन वैकेंसीज का प्रोसीजर क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिवीजन कैडर और यूटी कैडर के हिसाब से पोस्ट आए हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट है, सबसे पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 52 वैकेंसीज आई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 528 वैकेंसीज आउट हुए हैं, उसके बाद हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1444 वैकेंसीज आउट हुए हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 256 पोस्ट आए हैं, फ्लोरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्क्स डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसीज आई है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 21 वैकेंसीज आई है, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट में 6 वैकेंसीज, और जो टोटल वैकेंसीज आई है वो है 2311। अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग डेट, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कौन सी डेट से सबमिट कर सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे डेट मेंशन करके रखा है 12th of April 2021, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म 12th of April 2021 से ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 12th of May 2021, यानी कि आपको एक महीना मिल रहा है, इस महीने के अंदर ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे डोमिसाइल, यानी कि जो कैंडिडेट J&K UT का डोमिसाइल होगा वो ही इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है और वो ही अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एज लिमिट, यानी कि जो इसका मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा वो क्या रहेगा, मिनिमम एज लिमिट हर किसी कैटेगरी के लिए सेम ही रहेगा 18 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा उन्होंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेंशन करके रखा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे ओपन मेरिट के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है, SC के लिए 43 ईयर्स, ST के लिए 43 ईयर्स, RBA 43 ईयर्स, ALCIB 43 ईयर्स, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 43, PSP 43, सोशल कास्ट 43, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन 42, एक्स सर्विसमैन 48, गवर्नमेंट सर्विस अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल होगा या ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है तो इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है वो है 40 ईयर्स। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए वो हम इस वीडियो में एंड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फीस, यानी कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो इसके लिए आपको एक फीस पे करना पड़ेगा और वो 350, यानी कि 350 आपको पे करना पड़ेगा। ये आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है इसके लिए आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा जब इसका टाइम आएगा। इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपनी स्मार्टफोन में विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई कर सकते हो। अब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कहाँ पे सबमिट करना है उसके लिए उन्होंने यहाँ पे आपको एक URL दे के रखा है। इस URL के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दे के रखा है www.ssbjk.org.in, इस URL के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पे रहेगा इसके बारे में आपको नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इस रिटन टेस्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग किया तो इसमें आपको 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन का आंसर गलत किया तो आपको सही में से जिसका आंसर आपने सही दिया होगा एक क्वेश्चन काट दिया जाएगा, इसके मार्क्स आपको काउंट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे सिलेबस, इन पोस्ट के लिए जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में भी आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी जिसमें आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैसे देखना,
वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, उसके बाद जो इसका सब डिपार्टमेंट है वो है जीएमसी जम्मू। इसकी जो पे स्केल क्या रहेगी वो रहेगी 35,800 से लेकर 113,200। पोस्ट का जो नाम है वो है आर्टिस्ट, उसके बाद कैडर ऑफ द पोस्ट है जम्मू डिवीजन। ओपन मेरिट के लिए एक पोस्ट आया है, एससी के लिए 0, एसटी 0, ओएससी 0, एएलसीआईबी 0 पोस्ट्स, आरबीए 0 पोस्ट्स, पीएसपी 0, ईडब्ल्यूएस 0। टोटल जो वैकेंसीज आई है वो है 1। इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 10+2 होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास फाइन आर्ट्स में डिग्री होनी चाहिए। इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो रहेगा रिटन एग्जाम के बेस पे, यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे ही आपको हर किसी पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहोगे, बेटर यही रहेगा कि सबसे पहले आप देख लेना कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद आप अप्लाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगा, वहां पे आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। सो गाइस, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। अब हमारी मुलाकात किसी और वीडियो में होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।